हम 2 मिनट से देख रहे हैं अभी ना आप क्या करें, मास्क लगाए हुए हैं। कहाँ मास्क लगाऊंगा, लग गया मोटी जी वाला मास्क लग गया। क्या भैया मास्क जरूर जरूरी है, नीचे रखने से कोरोना डर जाए? नहीं डरेगा नहीं, मास्क पहन कर घूमना चाहिए। अभी तो हम बहुत सारे यात्री को ऐसे देखे, हम तो बोले अब उनका जी माना है। तो ये साफ स्पष्ट कर रहे हैं कि अपनी जिम्मेदारी हटा लिए हैं। देश भर में कोरोना महामारी को लेकर एक बार फिर से हाहाकार मचा हुआ है, लॉकडाउन लगाने की बात कही जा रही है। वहीं पर यहाँ पे हम पटना के गांधी मैदान में मौजूद है, जहां पर आप देख सकते हैं कि यहां डर खौफ नाम की चीज नजर नहीं आ रही है। जितने भी सार्वजनिक स्थान है आप वहां पर स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, लिखा हुआ रहता है कि 2 गज दूरी मास्क है जरूरी। लेकिन यहां पर जो स्थिति है, जो निर्भीकता दिखाई जा रही है, जो निडरता है वो डरावनी है। हर दिन आप देख रहे हैं कि सरकार के नए गाइडलाइंस आ रहे हैं। कल खुद पटना के DM कुमार रवि सड़कों पर उतरे थे मास्क को लेकर के जुर्माने के प्रावधान है। कई शहरों में जुर्माने बढ़ाने की भी बात कही जा रही है मास्क को लेकर के। लेकिन यहाँ पर जो स्थिति है वो काफी डरावनी है। आइए आपको हम दिखाते हैं कि यहाँ के लोग कितने सजग हैं और कोरोना से कितना डर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिकन न्यूज, मैं हूँ अंकिता सिंह और आपको चलिए हम दिखा रहे हैं कि यहाँ के लोग कोरोना से कितने भयभीत हैं और कितना निर्भीक होकर के चल रहे हैं। ऐसे यहाँ पर बिहार की राजधानी पटना की स्थिति है, जहाँ पर हम बस स्टैंड में खड़े हैं और यहाँ पर देखिए कि जितने यात्री हैं और यात्री से ज्यादा बढ़ाए हुए हैं और उसे बिठाए हुए हैं लोग। और देखिए कि किस तरह से यहाँ पर और लोगों की डराने के, आप खुद डर जाएंगे जैसी स्थिति यहाँ की भयावह हो रखी है। सीट से ज्यादा यहाँ पर आप देखिए कि जितने सीट हैं बस के उससे ज्यादा यात्री बैठे हुए हैं। मास्क जरूरी नहीं है और देखिए खड़े होकर के यात्री को लाया जा रहा है। हर दिन DM कुछ न कुछ गाइडलाइन जारी कर रहे हैं, ऐसे में आप देखिए कैसे सीट से ज्यादा लोगों को बिठाया जा रहा है, मास्क जरूरी नहीं है। तो तस्वीर साफ से स्पष्ट दिखाई दे रही है कि यहाँ के लोग कितना ज्यादा डर नहीं है कोरोना का, कोरोना समझ रहे या नहीं इसके लेकर के भी आपके पास संशय होगा। देखिए यहाँ पे लगभग लोग बिना मास्क के, आप बिना मास्क के आई हैं? हम बिना मास्क के हैं तो हमको उकलाने लगता है। अच्छा, तो आप परहेज नहीं करेंगे क्या भैया? मास्क जरूरी, हाँ जरूरी है। नीचे रखने से कोरोना डर जाएगा? नहीं डरेगा नहीं। तो फिर इसके लिए क्या जरूरी है? मास्क पहन कर घूमना चाहिए। क्या आप लोग बिना मास्क का बिठाते हैं ड्राइवर साहब? नहीं जी, हम तो बोल रहे हैं मास्क लगाने के लिए। मास्क का बिठा लेंगे? नहीं जी, क्या हाल बिठा लेंगे। कोई गाइडलाइंस क्या दिया गया आप लोगों को सरकार की तरफ से? कुछ गाइडलाइंस होगा ना? हाँ जी, बोले हैं कि मास्क लगा कर बैठने के लिए। सैनिटाइजर दिया जाता आप लोगों को? हम तो अपने लगाते हैं खाली। यात्री को नहीं देने के लिए बोला गया है? अभी तो न मिला है। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? तब सरकार न होगा जिम्मेदार। क्या लग रहा है आप लोग को सरकार से डिमांड करना चाहिए सैनिटाइजर और मास्क के लिए? अब लोग न बताएगा हम क्या बतावे, लोग बतावे। तो आप बिना मास्क के यात्री को बिठाने के लिए तैयार है? नहीं, अभी तो हम बहुत सारे यात्री को ऐसे देखे तो हम तो बोले अब उनका जी माना है। तो ये साफ स्पष्ट कर रहे हैं कि अपनी जिम्मेदारी हटा लिए हैं। इनका कहना है कि सरकार जिम्मेदार है, पब्लिक जिम्मेदार है, बस वाले को पैसे से लेना देना है, वो यात्री को बिठाएंगे ही, इसलिए आप खुद परहेज करें। फिर से लगा लेंगे नीचे रखेंगे तो ना। तो इसके लिए डरना होगा ना? अब सरकार हम गरीब के लिए कोनो उपाय करिए। आपको हम 2 मिनट से देख रहे हैं बिना मास्क के। क्या करें, मास्क लगाए हुए हैं। कहाँ मास्क लगा हुआ? लग गया मोदी जी वाला मास्क लग गया। तो ये लोग खौफ को ताक पे रखकर काम कर रहे हैं, क्योंकि इनके नजर में कोरोना कुछ है नहीं। बताने पर मास्क इस्तेमाल करेंगे, बोलने पे मास्क इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ की यही स्थिति है और आप भीड़ को देखने पर भी ये समझ सकते हैं कि यहाँ के लोग कितने निर्भीक हैं। इसको लेकर के कि जितने भी सरकारी संस्थान आपको नजर आएंगे वहाँ पर 2 लाइन जरूर लिखे दिखेंगे, 2 गज दूरी मास्क है जरूरी। लेकिन ना तो 2 गज की जरूरत है और ना ही मास्क को जरूरी समझते हैं। रिपब्लिकन न्यूज से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।